में चलते हैं भाई। आप देखो ये छोटू को, ये तो गाइज ये ऐसे ही लकड़ी के ऊपर चढ़कर दूर में जो इनके बैल चर रहे होते हैं उनको देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो अभी हम लोग यहाँ पर चाय और कॉफ़ी पीने के लिए रुके हुए हैं और अभी जस्ट नाश्ता किया और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे बन्ना ट्राइब को विजिट करने के लिए। तो तब तक आप सिनेमैटिक्स इंजॉय करो, मिलते हैं बन्ना ट्राइब के विलेज में। हम लोग पहुंच गए हैं बन्ना ट्राइब को और इनका बेसिकली ये ना कि ये लोग भाई ऐसे स्टिक्स में चलते हैं भाई। तो आप देखो ये छोटू को, ये ऐसे ही ये लोग स्टिक्स में चलते हैं भाई। और ये पहले हमारे ट्राइब में ही थे तो लेकिन बेटर इनके पास केटल्स होता है तो उनको ज़्यादा खाद वाद देने के लिए, खाना देने के लिए लोग बाहर आ गए भाई। क्योंकि हमारे ट्राइब दूसरे जगह पर रहते थे जहाँ उनको अच्छी तरह से अपने गायों को खिलाने के लिए भोजन नहीं मिलता था, इसी कारण वो लोग हमारे ट्राइब को छोड़कर बाहर आ गए और इस तरह निर्माण होता है बन्ना ट्राइब का। This is around Kayafar. Kayafar. Yeah. तो गाइज जो बन्ना ट्राइब है वो कयाफर एरिया में लगभग रहता है। और ये बच्चों को देखो भाई, क्या ही नौटंकी कर रहे हैं भाई। इनका गिरेगा ना तो, अगर ये गिर गया ना भाई तो इसका फ्यूचर बर्बाद होगा। The village name is Sele. Sele. Yeah. तो गाइज जो विलेज नेम है यहाँ का वो सेले नाम से है भाई। सेले तो ये बच्चे लोग ऐसे ही रोड पे रहते हैं और जो भी गाड़ी वाड़ी आता है तो उससे पैसे मांगते हैं। ऐसे ही पेंटिंग बॉडी पे पेंटिंग करके रखते हैं ताकि ये थोड़े अच्छे दिखेंगे। So it's the same tradition. They do bull jumping ceremony. Okay. Yeah. So why they leave? So why they leave Hamar? No, there are two. You know, Banna and Hamar. They have similar culture. Similar culture. Yeah, they do bull jumping ceremony. You know, when the man married, so he have to give a cattle for the groom family. So one man can marry two, three wives. Yes. Yeah. Okay. Depend how many cattle you have. So for one marriage, how many cattle the boys need? Maybe 20. 20. Yeah. तो गाइज इस ट्राइब का ये है कि अगर आपको शादी करना तो इसमें 20 केटल आपको देने पड़ेंगे लड़की के फैमिली को। और भाई इसमें शादी के लिए ये लोग बुल जंपिंग करते हैं, मतलब कि जो बंदा उतना ज़्यादा ऊपर बुल जंपिंग कर पाएगा वो उतना ज़्यादा शादी कर सकता है। इस ट्राइब में 2 से 3 शादी ये लोग करते हैं, बेसिकली ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन बच्चों को देखो, ये यहाँ के ट्राइब्स हैं। और डंडों के ऊपर इनका चल चल के इतना अच्छा आदत हो जाता है कि भाई आप देखो ये ढलान वाले एरिया पे भी आसानी से ऊपर चढ़ जा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? अभी नेम मैं तो पता भी नहीं चलता। दवा पागल है। कसमर मुंह।
My name is Ankit. This is for me. For me? Yeah. You, this. No. You. This, you. Banna. Yes, I have. Banna tribe. तो गाइस यहाँ भी ये लोग मेरे को सामान बेचने का ट्राई कर रहे हैं भाई, और जहाँ जा रहे सबके सब घेर लेते हैं ऐसे ही दिनेश, और ये लोग ऐसे ही रोड पे रहते हैं और बस मस्ती करते हैं। जो भी गाड़ी वाले आता है ना तो उससे ऐसे ही ये लोग पैसे मांगते हैं रोक रोक के। इनका ट्रेडिशन यही है वाटर। गाइस देख रहे हो काटा घुस गया कितना बड़ा मेरे चप्पल में। तो गाइस पैर में काटा घुस गया था भाई, अभी पूरा का पूरा खून खून हो जाता है, लेकिन यही अच्छा था कि हम देख लिए। और यहाँ का नज़ारा देखो, ऐसे ही रोड पे ये लोग रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो बन्ना ट्राइब है ना उनका घर भी देखेंगे। ये लोग का तो बेसिकली ये ट्रेडिशन था, ये लोग रोड पे ऐसे ही बम्बू के स्टिक्स में खड़ा होकर चलते हैं। तब इनके घर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे कि ये रहते कैसे हैं। बाय बाय। सो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं बन्ना ट्राइब के जो गांव है उसको देखने के लिए, ये लोग रहते कैसे है रहन सहन वाला। और भाई अगर ऐसे जगह में गांव हो तो क्या ही बोला जाए भाई, नीचे देख रहे हो नज़ारा। तो गाइज देख रहे हो जैसे हर ट्राइब में होता है ना, जैसे अफ्रीका का हर ट्राइब में कि बीच में घर होगा फिर साइड में बीबी का घर होगा, उस टाइप से ये लोग घेरा बना कर रखे हुए हैं। और ये लोग पूरा घेरा बना कर रखे हुए ताकि जानवर एंटर नहीं कर पाएगा। और ये हो गया इन लोगों का रेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पर ये लोग बात बात करते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। और ये हो गया इधर अनाज वनाज का घर, वहाँ जो आपको छोटा सा दिख रहा है उसमें वो लोग अनाज रखते हैं। और ये क्या स्टोरेज, राइट? सरगम और कॉर्न जो भी होता है उसके स्टोरेज के लिए लोग रखते हैं। हेलो, and what is this? storage. तो भाई देखो स्टोरेज के लिए लोग ऐसे बना के रखे हुए हैं घर। और ये हो गया इनका मेन रहने वाला घर, पतला सा दरवाजा रखे हुए हैं जो कि पूरा अंधेरा है भाई। यहाँ देखो यहाँ पर ये लोग आग जला खाना वाना बनाते हैं, इधर सोने का पूरा जुगाड़ है। और छोटा सा घर है भाई, भाई लेकिन देखो आप इतना खूबसूरत जगह पे रहना भाई, इधर आप इधर नजारा देखो, वर्थ इट है भाई। और इधर यानी जितने भी अभी लड़के हैं ना यहाँ के घर के, सब उधर बैल बैल चराने गए हैं, सब उधर चराने गए हैं। और ये देखो यहाँ पर ये लोग मुर्गी रखते हैं, छोटा सा आपको घर दिख रहा है, यहाँ पर ये लोग मुर्गी रखते हैं। और ये घर है इनका पूरा का पूरा। और गाइस व्यू देखो आप भाई, ऐसी जगह पर रहना समझ रहे हो भाई, भले ये लोग ट्राइब है बन्ना ट्राइब, लेकिन जगह देखो आप, उफ, कातिल जगह है भाई, कातिल। इट्स टू हैवी। तो गाइस जो आपको सामने दिख रहा है ये लेडी, ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। और ये घर है इनका। हेलो, तो गाइस आप बताओ कि इनका ट्रेडिशनल ड्रेस कैसा था भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाना भाई। तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो में दम लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।